देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे एससी एसटी समुदाय, हमारा ओबीसी समुदाय, हमारे जनरल समुदाय के गरीब वर्ग, उनको जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को न कभी हम हाथ लगाएंगे और न ही हम किसी को हाथ लगाने देंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है, हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने एक भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। एक तरफ इंडी गठबंधन एसटी एससी ओबीसी सब सामान्य वर्ग को बांटने में जुटा है और दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा लगा रहा है। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार, नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय आईएओ एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।